हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंकित प्रजापति, ट्रेडर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नए लोग स्टॉक मार्केट में कैसे काम की शुरुआत करें। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या शेयर बाजार को सीखना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ रिकमेंड करूँगा बातें जो कि स्टार्टिंग में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं लीगली, तो आपको 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, तो उसके लिए आपको 18 प्लस का होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका आधार लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, तो अगर लीगली आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको 18 प्लस का होना अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आप 18 प्लस नहीं है, तो आप नॉलेज लेने के लिए सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट को। काफ़ी सारी जो लर्निंग की होती है, लर्निंग बुक्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आपका एक डीमैट अकाउंट हो। ठीक है जी, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, बैंक के स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है और एक फोटो की। आपका लगभग 5 से 6 घंटे में या मैक्सिमम 24 आवर में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद जो जरूरी चीज होती है एज ए बिगनर, दोस्तों आपको अपने डीमैट अकाउंट को हैंडल करना आना चाहिए, यानी कि आपको ऑर्डर लगाने आने चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि बाय करना होता है और सेल करना होता है, जबकि नहीं, बाय और सेल करना होता तो जरूर है, लेकिन बाय और सेल करने के भी काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे कि ऑर्डर लगाते समय हमें पता होता है कि हमें नॉर्मल ऑर्डर लगाना है या मार्केट पे लगाना है ऑर्डर, या लिमिट पे लगाना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, कवर ऑर्डर कैसे काम करता है, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे काम करता है। ये सभी अलग अलग टाइप है और इन सभी ऑर्डर्स की अलग अलग ड्यूटी है। आपको इन सभी को सीखना होगा कि आप अपना जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं, जो आपके ब्रोकर ने आपको टर्मिनल दिया है, आपको उसे यूज करना आना चाहिए। कैसे ऑर्डर्स उसमें लगते हैं, कैसे पोजीशन लगाई जाती है, कैसे पोजीशन से एग्जिट होते हैं, ये एक बहुत ही नेसेसरी वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है, तो आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी पे चले गए, एडवांस नॉलेज पर चले गए, तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अब बेसिक चीजों में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, एमसीएक्स कमोडिटीज क्या होती है, और डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। अपने आप में ये सभी चीजें बहुत वाइड है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी यानी कि जो आपने सुना है निफ्टी 50, एनएससी के अंतर्गत आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपने आप में एक इंडेक्स है, इनके अंदर भी शेयर्स हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं और बिगिनर के लिए बहुत ही बेसिक स्तंभ है, इनकी जानकारी होना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद जब आप इन चीजों को सीख जाते हैं, बेसिक नॉलेज को सीख जाते हैं, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है। भाई, आपको डेरिवेटिव ट्रेडर बनना है, आपको इक्विटी ट्रेडर बनना है, या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, हेजर बनना है, M6 कमोडिटी में ट्रेड करना है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज होने के बाद आप डिसाइड करेंगे, फिर आप एक वन साइडेड मूवमेंट होगा आपका, यानी कि आप एक फील्ड में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे जो जरूरी बात हो जाती है, फिर आता है आपका सीखने का फ्लो बनेगा। ठीक है, तो सीखने के लिए आपको फिर पता होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, क्योंकि शेयर मार्केट में आप जो ट्रेड करते हैं, आप जो सारी की सारी मेहनत करते हैं, प्राइस पे करते हैं, सारा का सारा प्राइस का खेल है, और प्राइस आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के माध्यम से दिखता है, यानी कि जो ग्राफ होता है ना, आपने काफी सारे ग्राफ देखे होंगे, तो अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी तक लाइन वाले चार्ट देखे होंगे, जबकि चार्ट 10 से 12 टाइप के होते हैं। लाइन चार्ट होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, रेंको चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, हेकेनाशी चार्ट होते हैं, यानी कि काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट है और जो कॉमन है और मोस्टली यूज किए जाते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए, कैंडलस्टिक को कैसे देखा जाता है, उसका ओपन हाई लो क्लोज कैसे देखा जाता है। मैंने सभी वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा फिर आती है स्ट्रेटजी की बात, तो स्ट्रेटजी होती है काफी सारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर बनाई जाती है। कैंडलस्टिक चार्ट के मूवमेंट के द्वारा ही हमारे पैटर्न बनते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर होता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, यानी कि 150 से ज्यादा ये चार्ट पैटर्न होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई अभी तक, इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट होता है वो देखिए।
इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों लर्निंग हैबिट्स। अगर आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको लर्निंग की हैबिट्स डालनी पड़ेगी, यानी कि आपको बनना है प्रोसेस ओरिएंटेड ना कि मनी ओरिएंटेड। देखिए दोस्तों, दुनिया में हर एक काम का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपको एक बैंक एम्प्लॉयर बनना है तो उसका भी एक प्रोसेस है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम पेपर देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके आपकी जॉब लगती है, तब आपको पैसा आना शुरू होता है। या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको जो बेसिक चीजें होती हैं, कहाँ से माल आएगा, कहाँ से जाएगा, सारी प्रिपरेशन करनी होती है, सेटअप लगाना होता है, एडवर्टाइजमेंट करना होता है, उसके बाद पैसा आना शुरू होता है। लेकिन शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल क्यों है, यहाँ पर आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं कि बस हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हमने आज पैसा लगाया और हमको पैसा आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शेयर मार्केट एक बहुत एडवांस लेवल का बिजनेस है, तो इसको आपको सीखना होता है, यानी कि यहाँ पे आप जितना अपने आप को लर्निंग की हैबिट डालेंगे उतना ही सक्सेसफुल आप यहाँ पर रहेंगे। आपको क्या है कि प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है, आपने जो चीजें सीखनी है, आपने लर्निंग करनी है, वीडियोस देखनी है, बुक्स पढ़नी है, या फिर आप पेड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर खुद से रिसर्च कीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आप खुद की स्ट्रेटजी बना पाएंगे या फिर दूसरे लोगों से स्ट्रेटजी सीखेंगे, तो उसको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि दोस्तों चार्ट पैटर्न को देख के, यानी कि चार्ट पैटर्न पे आपका जो प्राइस मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है, उसको देख के आपको प्रिडिक्ट करना होता है एडवांस में कि अब भविष्य में इसका क्या मूवमेंट आ सकता है। तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है, पैशन चाहिए होता है और पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को करने के लिए, सीखने के लिए आपको लर्निंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, यानी कि सीखने की हैबिट डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप एक बार चीजों को सीख जाते हैं और प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो मनी ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। एक मेरा फेमस कोट है कि पैसे के पीछे मत भागिए, खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि पैसा आपके पीछे आए। तो इसमें भी वही बात कही गई है कि आप लर्निंग की हैबिट डालिए, आप चीजों को सीखिए, तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बताइए अगर आप एक बिगिनर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इस तरीके से शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट है, एकदम बेसिक पॉइंट है, इनको सीखना आपके लिए बहुत नेसेसरी, और इनको सीखने के बाद ही आपका अगला कदम होगा शेयर मार्केट को और भी बेहतर ढंग से सीखना। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एलिस ब्लू में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरे जो फ्री टेलीग्राम है उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ फ्री में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।